अब ये देखो, अब अपन प्रैक्टिकल करेंगे बाइनरी टू ग्रे कोड। इसका तीन इनपुट है, B3, B2, B1, B0। आउटपुट है G3, G2, G1, G0। अभी वन नंबर B3 इनपुट है, वही आउटपुट में भी 2 और 4 शॉट है, उसमें से इनपुट है B2। 5 और 9 शॉट है, उसमें से इनपुट है B1। 10 मेरा इनपुट है और आउटपुट G3, G2, G1 और G0। अभी अपन कनेक्शन करते हैं। पहला मेरा क्या है, 1 इनपुट भी है और आउटपुट भी है, इसलिए मैं इसको पहले से 1 है, मैं पहले आउटपुट लगा देता हूँ। ये मेरा 1 आउटपुट है और 1 मेरा इनपुट भी है, इसलिए इसको मैं पहले कनेक्शन उसको 0 0 देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट किया। सेकंड क्या, मेरा 2 और 4 शॉर्ट है, तो मेरा सेकंड 2 नंबर पिंस है, 4 नंबर पिन शॉर्ट, 2 और 4 शॉट है, उसमें से मेरा जो इनपुट है वो B2 है। 2 से निकालता हूँ, जो इनपुट है मेरा वो B2 है। ठीक है, 4 से भी लगा तो भी चलेगा। 2 और 4 शॉट है, इसको जो इनपुट, और 3 मेरा आउटपुट है, वो मेरा G2 है, तो मैं ये 3 आउटपुट में लगाऊँ तो ये मेरा G2 होगा। अभी नेक्स्ट क्या है, मेरा 5 और 9 शॉर्ट है, तो ये मेरा 5 नंबर और ये मेरा 9 नंबर शॉर्ट है, 5 और 9 शॉर्ट है, और 5 9 से जो शॉर्ट है उसमें से मेरा एक इनपुट है, और मेरा एक इनपुट है, उसको मैं ग्राउंड करता हूँ। ठीक है, बाद में 6 मेरा क्या आउटपुट है, जो आउटपुट 6 है वो मेरा G1 है, A6 लंबा वायर लेता हूँ, तो मेरा 6 नंबर पिन मेरा है, आउटपुट है G3। ठीक है, बाद में मेरा 10 नंबर भी B0 है, तो 10 नंबर को भी मैं ग्राउंड कर देता हूँ। मैंने 10 नंबर ग्राउंड किया और 8 नंबर मेरा आउटपुट है, तो ये मेरा 8 नंबर फिन आउटपुट है, और इसका जो LED का मैं ग्राउंड कर दूँ, तो मेरा भी कनेक्शन हुआ। अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लगा रहा हूँ, मेरा ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक, इसको ऑन करता हूँ, 5 और 5 और 7 देखो, सब 0 0 0 का आउटपुट 0 0 0। अभी मैं करूँगा B1 और B0 1 1, तो उसका आउटपुट मेरा 0 0 1 0 आना चाहिए। तो B1 और B0 मेरा कितना है, B0 तो 10 पे और B1 9 पे, तो B0 को 1 और इसको 1 देखो। अभी दोनों 1 का आउटपुट देखो, G3 0 है, G2 0 है, G1 1 और G0 0। फिर से मैं सबको 0 0 लेता हूँ, इसको 0 इसको 0। थर्ड क्या है मेरा, सब 1 है, तो इसको 1 A1 और A1। तो फर्स्ट मैंने 1 क्या, अभी मैंने इसको निकाला तो ये LED ऑन नहीं हो रहा था। LED ऑन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको निकाला तो ये 1 कंसिडर नहीं कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट पिन आउटपुट है, इसलिए मैंने इसको आउटपुट में 1, तो मेरा सब 1 है, तो 1 0 0 0। अभी मैं सबको फिर से 0 0 करता हूँ, इसको 0 इसको 0 इसको 0 इसको 0। ठीक है, तीसरा इसको B3 को 1 करना है और B1 को 1 करना है, B3 को 1 करना है, तो मैंने इसको VCC में करता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है, मेरा B3 1 हो गया है एंड B1 किधर है मेरा, 5 और 9 में, ये 5 और 9 में ये 1 है, तो मेरे 4 LED ऑन हो गए, तो मेरा ट्रुथ टेबल वेरिफिकेशन होगा।